एक्टर्स हैं जिनका नाम पढ़कर क्रेडिट टाइटल्स में कास्ट मेंबर्स के नाम पढ़कर आपको लगता है कि फिल्म कैसी भी हो एक्टिंग में कुछ तो मजा आने वाला है और उनमें से एक एक्टर है रणदीप हुडा बिकॉज ही इज ग्रोइंग इन स्टैच फिल्म आफ्टर फिल्म और आज हमारे स्टूडियो में यही रणदीप हुडा और एलिना कजान है द स्टार्स ऑफ जॉन डे लेट्स वेलकम देम फर्स्ट वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक यू कौम रणदीप एक टाइम था जब आप लीड रोल्स प्ले करते थे एंड मगर यू नॉट एज सक्सेसफुल फिल्म में फ्लॉप होती थी देन सडनली फॉर्च्यून्स चेंज आपका ऐसा समय आया कि पीपल स्टार्टेड वेटिंग फॉर योर फिल्म्स रणदीप हुडा का टाइटल क्रेडिट टाइटल्स में नाम है तो वाह कुछ तो होगा यू नो यू स्टार्टेड प्लेइंग वेरी वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स आपको ऐसे लगता है कि इस बदलाव से इंडस्ट्री में आपका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है जी जरूर बढ़ गया है क्योंकि पहले मेरे को क्या लगता था कि मैं कैमरा के आगे खड़ा हो जाऊंगा तो लोग मुझे देखने के लिए आएंगे ऐसा सच नहीं है किसी के बारे में भी नहीं है okay. तो पूरा एक पैकेज लगता है okay. तो वंस अपॉन अ टाइम से वो बदलाव मेरी जिंदगी में आया जहाँ की मैंने बहुत रिलक्टेंटली वो रोल किया mm -hmm. मैंने मिलन से बोला कि यार तुम्हारे मेन एक्टर्स और कास्ट है नहीं नहीं बहुत अच्छा रोल है तेरे को अच्छा यू डू वेल यू डू वेल यू डू इट एंड आई टुक दैट प्लंज आई चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस लीडिंग मैन थिंग and uh, uske badse life has been easy from once upon a time to V or gangster i aise say aise and now i find that i am part of uh, my last since once upon a time all my films have been successful and it just kind of you know it has happened on its own by just changing taking one step Correct. And changing my mindset, and that for that you have to uh, thank uh, Milan Luthria. I have to thank Milan Luthria because even while shooting, I tried to leave the movie twice because it was going on forever. <laughs> and uh, <laughs> but uh, he persisted, and uh, and my fortunes changed. Even after Once Upon a Time, I sat at home for another year before Sai Gangster came around. Mm -hmm. So I've just I don't know. I mean, it's a mixture of luck and somewhere I think. इट इज ट्रू इन माई केस दैट इफ यू चेंज विद इन चेंज हैपन्स विदाउट सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था आपके लाइफ में कि हीरो के रोल्स को पकड़ के ना बैठूं और अच्छी फिल्में करूं अच्छे रोल्स कर... करूं चाहे वो कैरेक्टर रोल्स हो कोई भी किस्म का रोल हो हीरो के रोल के पीछे ना दौड़ूं। जी हां क्योंकि मुझे वो पॉसिबिलिटी दिखने लगी कि हीरो का रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता मूवी में करेक्ट और जो भी आप काम कर रहे हैं अगर वो काम आप सच्चाई से करें और एक पनाश से करें तो आप स्टैंड आउट हो गए ही हो गए और लोग जब पिक्चर देख के जाते हैं वो सिर्फ एक, एक एक्टर को देख के कभी नहीं जाते हैं वो पूरी फिल्म देखते हैं और उसके अंदर आप भी एक हिस्सा हो और आप कुछ अच्छा या कुछ यूनिक कर जाएं उसमें तो आपको घर लेके जाते हैं चाहे वो देखने किसी को भी आए हो हुँ. तो वो चीज मेरे को समझ में आने लगी और फिर मैं इंटरेस्टिंग पार्ट्स ढूंढने लगा ढूंढने लगा के लीड रोल्स और ढूंढने भी नहीं लगा वो मेरे को आ गए <laughs> मेरे को लगता है व्हाई डू यू चूज दिस रोल आई से नहीं नहीं आई फर्स्ट चूज द रोल आई गेट फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड इन दोस आई चूज द रोल दैट आई वांट टू डू और कहीं ना कहीं मैं एक करियर की तरफ मेरा एक अंधापन भी है एक शर्ट आई शर्ट एक ब्लाइंडनेस है एक ट्रस्ट एक फेथ है किसी चीज में तो मैं उसमें कूदता रहता हूँ हमारे हरियाणा में कहावत होती है कि अंधे की मक्खी भगवान उड़ाता है <laughs> तो भगवान को मैं बहुत चांस दे रहा हूँ ऊपर <laughs> वाले को यूनिवर्स को वट एवर यू वॉन्ट टू और इन टर्न भगवान आपको बहुत अच्छे अच्छे चांसेस दे रहा है आई एम वेरी ग्रेटफुलर आई मीन आई वॉज रियली वॉश ऑफ एंड ब्रश अंडर द कार्पेट एंड आई एम वेरी थैंकफुलट आई आई एम स्टिल अराउंड अराउंड एंड आई फॉर वेरी वेरी लॉन्ग होप सो बट एलिना आपके बारे में ये सुना है कि आप अपने को स्टार रणदीप के साथ बहुत नाराज हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। हाँ. क्योंकि रणदीप लड़कों को किस करता है आपको नहीं किस करता <laughs> नहीं नहीं आई को भी आपको भी किस तो किया है मैंने क्या कपल ऑफ टाइम्स अच्छा कपल्स <laughs> तो अब इमरान हाशमी के बाद आपको वो खिताब लेना है सीरियल के सौ इमरान तो सिर्फ लड़कियों को किस कर exactly. रहे गए मैं तो बहुत हाँ वर... मैं तो अभी इंसान हर तरह के हो गए <laughs> जानवरों को मैं वैसे ही किस्त करता आया हूंगा अब आगे मछली फिर इंसेक्ट अमीबा तक जब तक बात नहीं आ जाती मैं रुकने वाला नहीं <laughs> मैं रुकने वाला नहीं। आई एम गोइंग टू किस द होल यूनिवर्स मेरा यह मानना है कि अगर आप कलाकार हैं तो ह्यूमन कोई भी ह्यूमन चीज है ह्यूमन फ्रेलिटीज ह्यूमन शॉर्टकमिंग ह्यूमन अच्छाइयां इंसान के अंदर जो कोई भी इंसान दुनिया में कर सकता है पॉसिबल है वो एज अ एक्टर मेरे को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रोवाइडेड आई चूज दैट रोल करेक्ट और अगर वो पिक्चर शायद करण डायरेक्ट नहीं कर रहा होता और और जिस तरह से उसने मुझे नरेशन दी कहानी दी तो शायद मैं नहीं करता करेक्ट बट क्योंकि उसने दिया आई इट कंप्लीटली मेड सेंस टू मी एंड लेटर ऑन आफ्टर आई सेड यस वाइट वी वर शूटिंग आई स्टिल आई सारे टू गेट अ बिट जिट जिटर्स अबाउट इट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज यू नो प्लेंग ऑल दीज मैचर होता है हाल भी इंटरप्रेटेड मेरे शुभ चिंतकों ने मेरे दिमाग में बहुत कुछ uh, बहुत भर दिया हाँ. <laughs> <laughs> मेरे को ऐसा मेरे को फीलिंग रहे बोला बेटा तू तो एक्टर है तू कैसे uh, किसी भी चीज को जो कि तूने एक तो हां बदल दी है <laughs> दूसरा वो भी तो इंसानियत का हिस्सा है ये एक्सप्लेन टू बी वेरी नाइसली सो आई शॉट फाइन आई है और इस फिल्म में आपको किसी सहारे की जरूरत पड़ी इस फिल्म में भी एक किस है हाँ. आ, वो सिकंदर है एक बहुत 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 सारी पिक्चरों में वो आ, बिट पार्ट्स कर चुके हैं मेरी ही इज नॉट हाफ एज अट्रैक्टिव एज माय अदर को स्टार बट इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मैं उन्हें किस करता हूँ उनकी जीप बाहर खींच के काट के फेंक देता हूँ ओ माय गॉड तो इट्स अ वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ मैन डिजायर टू इन्फ्लिक्ट पेन

बहुत ही अच्छी फैमिली है अच्छी जॉब है रिस्पेक्ट है बहुत प्रिंसिपल्स हैं और दूसरी साइड मैं हूं जिसकी कोई फैमिली नहीं है एक रोमांटिक रिलेशनशिप है वो भी ट्रबल्ड है और और वो उसका लाइफ में मोटो ये है कि लोगों उसको पावर चाहिए और वो लोगों को मतलब बदला बदला बदले, एक बदले में की की भावना की भावना ही रहता है और जब इनके पाथस क्रॉस होते हैं तो दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ हिस्सा लेके क्रॉस mm -hmm. होता है पाथ okay. और फिर क्या होता है दैट इज द स्टोरी सो इट हैज़ गॉट रिवेंज द फ्रूटलेसनेस ऑफ रिवेंज एंड द फ्रूटफुलनेस ऑफ फॉरगिवनेस ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो लार्जर एस्पेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म या

But it's not that she's a depressed person. I mean, she there's a lot of sadness to the character, but um, she's also very stubborn. I mean, not that she's depressed and wants to die. She is depressed, but she wants to live and mm -hmm. she wants to love more okay. importantly. Okay. So uh, Tabassum Habibi is a symbol of love and hope in John oh, Day. Okay, okay, and. Uh, Role ne ne is role ko yeah. uh, how did the film fall into your lap? Well, I was called for an audition, and hmm. after I read the script, I was I mean, very impressed because the script itself was very well written, all the different characters are very well etched out, and hmm. again, this woman. Um, is quite unique. And mm -hmm. when I was in the office mm -hmm. of uh, Ayesha Solomon who was auditioning, mm -hmm. I saw a CD, a DVD of uh, Sahib Bibi or Golam, mm -hmm. a movie which I had seen previously. So mm -hmm. I was quite surprised because that was also one of my favorite films. And then mm -hmm. Ayesha had discussed how um, there are similarities between Meena Kumari's character and Tabasum. Um, so I, I really like that. And when you India, that you yeah, it happened by, nee, chances, bilkul nahin. Bilkul nahin. Bilkul by chance. Hua yeah, yeah, by hua? chance, who I? Yeah, by chance. I was uh, staying in Calcutta. I mm -hmm. was working with the Indo-German Chamber of Commerce. Oh my God. And uh, mm -hmm. so, and I was managing an NGO. Uh -huh. uh, so Intelligent so, so and uh, I mean I've always watched Hindi films. I just never imagined myself acting. I did some theater when I was in school and uh, in college. Acting ka I mean I always like, I mean but theater. I was, it was always theater. I never imagined myself in films. I don't know why. I mean I used to watch films, but it was something so far removed that I couldn't imagine myself there or I didn't. Um, but then somebody invited me to a movie set. Uh, it was an Australian film called Waiting City, and then I met an associate director there who asked me if I would like to be part of his director's new uh, film. It was a Bengali film, so I said, "Sure, why not? Let's try it." And I remember I was playing a Bengali housewife, and I had I this one line: it's, kinte hobe." So I had to go to the market <laughs> and buy fish. Um, so it was lovely, and it just was just one line in the entire film. No, no, no. That was okay. like the they main were. line. Okay. I mean, there were uh -huh. lots of different variations of the same line, but uh -huh. the main purpose of this role was to buy fish. This woman wanted to go buy fish, and I liked mm -hmm. it because it's also very symbolic of Bengali culture, right? I mean, fish mm -hmm. is so important. And, mm -hmm. like, "Maj kinte is very mm -hmm. good <laughs> So um, then I did. That and since I liked acting, I mean it was a very new experience for me. Um, mm -hmm. But then again, somebody asked me to act in a new film, a new Bengali film, and it, it went from there. And then I quit my job. And you didn't think, <laughs> <laughs> नहीं। तो कोलकाता से आप मुंबई आ गई हाँ तो मैंने, ये कौन से साल की बात है ये दो साल पहले हुआ okay. था तो 2011 तो मैंने मेरा नौकरी छोड़ दिया और मैं मुंबई आई हूँ और मैंने ऑडिशन लेने शुरू किया देने शुरू किया बुलाया गया ऑडिशन के लिए ऑडिशन डिफिकल्ट था हाँ काफी काफी डिफिकल्ट था आपके कोस्टार के साथ ऑडिशन दिया अकेले आपने ऑडिशन दिया नहीं 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 वो तो मतलब इट वाज वॉजन एडी तो वन सीन टली फ्रॉम द फिल्म एंड वन सीन इम्प्रोविजेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई और uh, आपको कब पता चला कि आप सिलेक्ट हो चुकी है उसी समय बोल दिया या बाद में nee, नही नहीं नहीं नए डायरेक्टर के साथ काम करने में कैसा लगा uh, मैंने तो आठ दस नए डायरेक्टरों के साथ काम किया शुरू में जब आप नए थे तो नए डायरेक्टर्स ही आते होंगे आपके पास हाँ ये भी था पर अभी भी हाल ही में मैंने विशेष के साथ भी काम किया था मर्डर हाँ और आहिशोर के साथ काम किया है और भी बहुत डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो लीप ऑफ फेथ मैं कई बार ले चुका हूँ और उसमें कहीं ना कहीं ब्यूटी ही मुझे मिली है एक नए डायरेक्टर की एक एंथुजियाजम होती है और एक सेंस ऑफ अनश्योरिटी होती है जिसका मिश्रण जो है वो मिलके बहुत ही खूबसूरत एक काम करने का एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है तो मुझे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करने में कभी झिझक नहीं हुई है एलिना आप यकीन रखती हैं कि प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाकर काम मांगने का या यू वुड राधर वेट के आपके पास काम चल के आए बिकॉज कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है हीरोइंस बहुत है जैसे हीरोज बहुत है हीरोइंस बहुत है एंड फिल्में तो इतनी ही बनती है so ha huh. <laughs> you say eh? they can uh, projects be coffee here i think and uh, if there's a certain project it's better if somebody approaches me because i mean i don't know what's out there so if somebody thinks i'm right for the role mm -hmm. then usually that's how projects come about no, and there are a lot of girls and a lot of guys who approach producers, who approach directors. I don't think it's very effective. I mean, because approaching somebody without any project in hand, it doesn't make any sense. I mean, mm -hmm. if there's a certain project, then mm -hmm. people will find you. I mean, that's been my experience. Mm -hmm. If if they're looking for somebody, they will find you. And speaking about new directors, I mean, I would agree with Randeep that, I mean, excitement is a big factor that new directors bring to that. And excitement is something that is very infectious and, um, you know, translates to the whole team. And if that is there, and the project does become great and i think Ahishwar's filmmaking is quite mature for a first time director he knew exactly what he wanted so that was very helpful as an actor because he was very precise he was mm -hmm. very self assured as a first time yeah. director yeah i mean he, in terms of shot in terms of the mood he knew what he wanted and that was i mean very good to work with and i and i, I as a person if, if the director is willing i do all the discussions beforehand set pani, jada baat-baat karte और क्या लिखा है और क्या तुम चाहते हो उसमें ठीक ठाक है मेरे को भी वही समझ में आ रहा है जो आप चाहते हो ऑन द द सेम सेम पेज पेज एक बार वो डिसीजन है तो सेट पे मेरी ज्यादा डायरेक्टर से कभी बात नहीं होती है अच्छा आ, पहले समझ में आ गया सब डिस्कशन पहले ही खत्म हो जाते हैं समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना एक बार वो समझ में आ जाए और नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ लो करेक्ट और मेरे करियर में बदलाव इसीलिए भी आया है कि मैं अपना करने की बजाय डायरेक्टर का करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं ओके वो बहुत बड़ी चीज है mm -hmm. वो काफी सारे एक्टर्स नहीं करते हैं mm -hmm. वो करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल पिक्चर तो वही देख रहा है फाइनली इट इज फ्रॉम दैट पॉइंट एग्जैक्टली तो वो चीज जो एक नया मेरी करियर में दौर आया है उसका वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है एक अंडरस्टैंडिंग का यू फील दैट यू बीन एक्सेप्टेड इन बॉलीवुड यू बिकम अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड या अभी भी आप अपने आप को आउटसाइडर I mean, I felt comfortable from the beginning, and I mean, there are lots of offers that are coming. But I think the true test will be when the, my films release. You know, what the audience, uh, how the audience response will be, because that's a true test of all our work is how mm -hmm. the audience will respond. So let's mm -hmm. see if. I'll be and accepted. what do you think the audience response would be? I will. know. I mean you can, you, you mean, can be I... objective enough and say that. Mujhe aise lagta hai. I mean, I cannot speak for the audience. There's so many different people, so they have to Naan, see. But mota moti, can say one chunk of the audience will feel that. I don't know. I mean, uh, from the reactions that I've received, I and mean, people liked it. They'll definitely like... find her sexy. I can say that <laughs> <laughs> because um, she's got her. There's one shot where her, her legs on the sofa, and uh, she's lying there with her. Glass, empty glass, mm -hmm. and she's drunk and passed out. Mm -hmm. And um, so there, she's not acting. <laughs> well, but that's also acting. She, that's okay. she has these beautiful Arabic tattoos all over her Persian. legs, Persian, Persian. Persian tattoos, and they are so beautiful and sexy. I mean, uh, she's sorted. I'm telling you. You <laughs> think she's sorted? Huh? That means she's she's uh, going to be a part of uh, Bollywood, an integral part of Bollywood. I, I hope so, and I'm and I mean.

यानी इट विल हैव टू डू सिर्फ अगर हम थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें आप सैटेलाइट भूल जाइए म्यूजिक राइट्स भूल जाइए ये दस करोड़ रिकवर करने के लिए नेट कलेक्शन आई एम जस्ट टेस्टिंग योर दस करोड़ रिकवर uh, करने के लिए नेट कलेक्शन अगर सिर्फ इंडिया थिएट्रिकल बिजनेस है तो नेट कलेक्शन कितना होना जरूरी है लगभग बाईस क्या बात है फैंटास्टिक एम आई राइट यस पहले पहले हफ्ते में शेयरिंग रेशियो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर के बीच फिफ्टी फिफ्टी अरे वाह आई यू अवेयर ऑफ दिसर्स्ट वन नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर चेन्नई एक्सप्रेस राइट चेन्नाई एक्सप्रेस का नेट कलेक्शन हैज इट क्रॉस द हंड्रेड करोड़ मार्क हैज इट क्रॉस द हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ मार्क और हैज इट क्रॉस द टू हंड्रेड करोड़ मार्क जल्द आई मीन एज अ थर्ड लास्ट वॉज फाइव हंड्रेड वर्ल्ड वाइड राइट शाहरुख खान की के घर से आइए आप

एक टिक 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 टिक्रीडियट यस थ्री हंड्रेड थ्री इडियट्स का थ्री इडियट्स का टोटल नेट कलेक्शन कितना था थ्री हंड्रेड एंड थ्री आपका नॉलेज तो इज इट राइट यस इट इज राइट आने वाली फिल्मों में uh, uh, जो अब रिलीज हो रही है जॉन डे के अलावा यू वुड होप दैट जॉन डे आल्सो टच इज द हंड्रेड क्रोर मार वॉट इज योर प्रोडिक्शन कौन सी फिल्में हंड्रेड करोड़ या टू हंड्रेड क्रोर तक लेट्स फॉरगेट हंड्रेड करोड़ टू हंड्रेड क्रोर तक पहुंच सकती है इस साल की आने वाली फिल्मों में कौन कौन सी आ रही है क्रिश धूम क्या बात धूम थ्री क्रिश आई थिंक यू कैन यू कैन होस्ट द शो नो आई कांट होस्ट द शो सी इनहेरेंटली ऑल दीज थिंग्स आर एन एक्सटर्नल फैक्टर बट द माई पल्स

एंड एलिना अगले इंटरव्यू में आपसे भी मैं बिजनेस फिगर्स की बातें और ज्यादा करूंगा बिकॉज बाई देन यू विल ऑल्सो हैव लर्न द रोप्स ऑफ फिल्म बिजनेस इट इज लिटिल लिटिल डिफिकल्ट बट आई एम श्योर यू यू विव लर्ट थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बींगी थैंक यू फॉर है तो दोस्तों ये थे रणदीप हुडा और एलिना काजान इनकी फिल्म जॉन डे इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है इन्हें फिल्म करने में बहुत मजा आया है इट्स थ्रिलर ड्रामा जैसे कि रणदीप हुडा डिस्क्राइब करते हैं इट हैज थ्रिलिंग एलिमेंट्स बट इट इज ऑल्सो वेरी ड्रामेटिक इनके अलावा इस फिल्म में है नसीरुद्दीन शाह साहब भी एंड आई एम वेरी ईगर टू सी द फिल्म इसके प्रोमोज इसके ट्रेलर्स हैव डन द ट्रिक दे हैव क्रिएटेड दैट क्यूरियोसिटी अमंग्स द पब्लिक आई एम श्योर यू टू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म तो इस शुक्रवार को या इस वीकेंड को क्या करना है आपको पता है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिज स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर ईटीसी बॉलीवुड दिस इज कोमल नाहटा विदिंग यू गुड बाय